All right. Now I think that my screen and my voice both are okay. We are ready to start the session. So what we are going to start today, dear students, we are going to start chapter number 14. हम लोग chapter number 14 को start करने वाले हैं आज. That is verbs, that the ing form, right? Verbs, the ing form. I hope that everything is visible properly. If not, then let me zoom it a little bit. Yes. Now I think it is completely visible. Right, so let's begin this. So we are going to start chapter number 14, that is verbs, the ing form. For that you can take out page number 54. Page number 54 aap log open kar sakte hain. There you are given with the chapter number 14, verbs, the ing form. Right, so let's understand it, what actually it is trying to say, aur is chapter mein hum log ko kya kya padhna hoga. Chaliye, first of all, understand what is actually the ing form. We use the ing form of verb when we have to denote or tell about the ongoing action. What we have to do? When we have to denote or tell about the ongoing action. यानी कि ऐसे actions जो अभी चल रहे हैं, जो अभी continue में हैं, जब उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, dear students, तब हम क्या कहते हैं? वहाँ पे हम ing form को use करते हैं, verb के साथ ing form को use करते हैं. आई होप कि आपको इसी समझ में आई है कि मैंने क्या बोला है अभी. लेट मी टेल यू अगेन कि जब कभी भी हम क्या कर रहे हैं, जब कभी भी हम किसी ऑन गोइंग एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑन गोइंग एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. ऑन गोइंग एक्शन यानी कि जो काम भी हो रहा है, जो काम अभी चल रहा है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, देन वी यूज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. उस समय हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जांपल. Okay, now understand this one. Yes, understand this one with examples. What are these people doing here? यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? इस sentence का meaning क्या होगा कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? What are these people doing here? तो doing हमने क्या किया? क्या कर रहे हैं? Action किसको show कर रहा है? Ongoing process को. कि ये लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं. ऑन गोइंग प्रोसेस के बाद जब भी बारे में बात होगी डियर स्टूडेंट, तो हम क्या लगा देंगे वहां पे? आई एन जी फॉर्म लगा देंगे. वर्ब के साथ क्या लगा दिया जाएगा डियर स्टूडेंट? आई एन जी फॉर्म को यूज कर लिया जाएगा. आई होप कि जिस समझ में आ रहा है आपको, व्हाट आर दीज पीपल डूइंग हियर, यानी कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं. रहे हैं जब भी आता है सेंटेंसेस में, वहां पे एंड में आई एन जी को लगाया जाना श्योर है. द इलेक्ट्रीशियन इज रिपेयरिंग वायर्स. इलेक्ट्रीशियन वायर की रिपेयरिंग कर रहा है. तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, जहां पे भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थे, है ना, वो सब आए, रहे होंगे, वो सब कुछ भी आ रहा है. तो वहां पे हर जगह आपके पास में क्या आना है? आपके पास में आई एन जी फॉर्म आनी ही आनी है. दैट इज 100% श्योर. तो रिपेयरिंग आ गया. इलेक्ट्रीशियन क्या कर रहा है? वायर की रिपेयरिंग कर रहा है. तो वो अभी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रिपेयरिंग लग गया, यानी कि आई एन जी आ गया. ऑन गोइंग एक्शन के बारे में बात हो रही है. ऑन गोइंग एक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज द प्लम्बर इज फिटिंग लीकिंग टैप्स. जो प्लम्बर है वो क्या कर रहा है? लीकिंग टैप्स को फिट कर रहा है. द प्लम्बर इज फिटिंग लीकिंग टैप्स. वो फिट कर रहे हैं किसको? लीकिंग टैप्स को. लीकिंग टैप्स कौन सी होती है डियर स्टूडेंट्स? जो टैप लीक कर रहा होता है, यानी कि इसमें से पानी बह रहा होता है, पानी फ्लो कर रहा होता है, तो वो उसको क्या कर रहे हैं? फिट कर रहे हैं. तो अगेन ये प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है, वो कर रहे हैं. दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे आई एन जी को यूज कर लिया, राइट. नेक्स्ट वी हैव द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल्स. पेंटर क्या कर रहा है? वॉल्स को पेंट कर रहा है. तो अभी जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, जो कुछ भी अभी हम कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द आईएनजी फॉर्म. जैसे आर्याना अभी क्या कर रही है? आर्याना अभी स्टडी कर रही है. आर्याना सुखवाल अभी स्टडी कर रही है. तो हम क्या कहेंगे कि शी इज स्टडी. एस टी यू डी वाई आई एन जी क्या कर देंगे? स्टडी हो जाएगा. शिवानी, वॉट शिवानी इज डूइंग? शिवानी इज ब्लिंकिंग हर आईज. आईज को ब्लिंक कर रही है. ब्लिंक करना, आईज को ब्लिंक करना तो आपको सबको पता है क्या होता है. आईज को ब्लिंक करना मतलब आईज को ओपन एंड क्लोज करना, राइट. सो शिवानी इज व्हाट डूइंग? शिवानी इज डूइंग व्हाट? शिवानी इज ब्लिंकिंग हर आईज. शिवानी आईज को ब्लिंक कर रही है, राइट. ओके, व्हाट इज तुहिना डूइंग? तुहिना इज स्माइलिंग. तो एस एम आई एल आई एन जी. स्माइलिंग मीन्स व्हाट? स्माइल करना, सिंपल. तो जो कोई भी प्रोसेस आपका क्या होता है? कंटिन्यू में होता है या ऑनगोइंग होता है?
इन दैट वी पुट आई एन जी, हम उसमें क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट, आई एन जी कर देते हैं. मुकेश इज ऑल्सो देयर, राइट? सो वॉट मुकेश इज डूइंग, मुकेश इज सिटिंग, ठीक है, बैठे हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे, मुकेश इज सिटिंग, राइट? नेक्स्ट है, सो मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं. यू ऑल आर स्टडिंग, यू ऑल आर सिटिंग, सिटिंग, स्टडिंग, ब्रीदिंग, राइट? दीज ऑल आर वॉट ऑन गोइंग प्रोसेस, और इसमें हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आई एन जी को यूज करेंगे. किसको यूज करेंगे, आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज हम लोग करेंगे. सो इन सारे सेंटेंसेस में हमने ये एग्जाम्पल्स भी देख ली है, और वन बाय वन हमने जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है उन सबके एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने ले लिए. आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट? नाउ कि हम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं, मतलब जब हमारे को वर्ब की V1 दे रखी होगी, फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, हाउ वी विल बी कन्वर्टिंग दैम इनटू द आईएनजी फॉर्म, हम इनको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे. इट इज वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स, द थिंग मच यू हैव टू डू, जस्ट यू यूजुअली ऐड आईएनजी. आप क्या करते हैं यूजुअली, तो आईएनजी को ऐड कर देते हैं, लाइक वर्क वर्किंग, स्टैंड स्टैंडिंग, लर्न लर्निंग, प्ले प्लेइंग, राइट? दिस इज समथिंग व्हाट जब हम सिंपल आईएनजी को ऐड कर देते हैं, राइट? तो ये तो कौन सा पैटर्न हुआ जब सिंपल आईएनजी को ऐड करना है. एक पैटर्न और होता है डियर स्टूडेंट इसमें, जब आपको ई को रिमूव करना होगा, ये ई को आपको रिमूव करना होगा यहाँ से, और उसके बाद आईएनजी को ऐड करना होगा, और फिर उसके बाद आप क्या ऐड कर दोगे, आईएनजी को ऐड कर दोगे. यानी कि हमने क्या किया, ई हटा दिया, देखो यहाँ से कम में ई हटा दिया, ई क्या बन गया, कमिंग बन गया, सो दैट बिकम्स द कमिंग. यस और नो, कम ऑन, शो मी योर थम्स अप, यस सर वी आर गेटिंग इट, यस, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट वी हैव एच ए वी ई, हैव, अगेन एट द एंड वी हैव ई, सो जस्ट रिमूव इज, रिमूव दिस ई, इस ई को हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, द सेम आई एन जी, तो क्या बन जाएगा, हैविंग बन जाएगा. नेक्स्ट राइट, यू हैव टू रिमूव दिस ई, ई वाले पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई एन जी लगा देना पड़ेगा, दैट विल बिकम आई एन जी. आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग, दिस इज वेरी सिंपल, राइट? नाउ देर आर सम स्पेशल चेंजेस, यहाँ पे कुछ स्पेशल चेंजेस भी होते हैं, उन स्पेशल चेंजेस को डियर स्टूडेंट्स हम लोग अब पढ़ने वाले हैं. कैसे इसमें चेंजेस होते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, सो लेट्स बिगिन विद दैट. सम स्पेशल चेंजेस में जैसे मैंने कहा स्विम, एस डब्ल्यू आई एम, सी इट इज एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू तो वॉवेल्स होते हैं, और इनके अलावा जितने भी बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, या राइट? सो यहाँ पे ये एंड जो हो रहा है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, एम इज कॉन्सोनेंट. नाउ बिफोर दिस एम के जस्ट पहले, यानी कि लास्ट सेकेंड जो है वो आपका वॉवल है ना, तो वेन एवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, कि लास्ट सेकेंड जो है, लास्ट सेकेंड वर्ड अगर वॉवल का आता है एंड लास्ट वर्ड अगर आपका कॉन्सोनेंट का आता है, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट यानी कि लास्ट वर्ड जो है उसको डबल कर देते हैं, उसको ट्वाइस बार यूज करते हैं, यानी कि दो बार यूज करते हैं. तो स्विम का क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, स्विम का स्विमिंग बन जाएगा, गेट का गेटिंग बन जाएगा, स्टॉप का स्टॉपिंग बन जाएगा, प्लान का प्लानिंग बन जाएगा. सो इन दैट वे हमने क्या किया, यहाँ पे हर सेंटेंस में देखो टी एंड में आ रहा है तो टी को दो बार यूज किया, ठीक है, पी यहाँ पे एंड में आ रहा है, पी को दो बार यूज किया, एन दो बार, एन एक बार आ रहा था यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट एंड में आ रहा था, हमने इसको भी दो बार यूज किया. सिर्फ उस केस में करेंगे जब लास्ट सेकेंड वर्ड जो है, लास्ट सेकेंड मीन्स दिस ए, दिस ओ, दिस ई and this I are vowels, last second word जो है वो vowel होगा, उस case में ही ऐसा हम लोग करेंगे, right? I hope that this is completely clear to you all. You all have understood what I have taught you today. So this was all about today's session, dear students. ठीक है, इसके answers जो है आपको WhatsApp group पे upload कर दूंगा, मैं group में upload कर दूंगा. You have to write all the answers, right? So this was all about today's session. Thank you for attending the session, everyone. Bye bye. Have a great day.